हेलो स्टूडेंट्स, टुडे नाम इन पाक इंजीनियरिंग मेकानिक्स वो स्टार्ट पड़ना। सो इंजीनियरिंग मेकानिक्स फर्स्ट नाम पाकपो बेसिक्स फोर्स मोमेंटम पवर एनर्जी इतनी वह डेफिनेशन फॉर्मूला पाकल। सो फर्स्ट इंजीनियरिंग मेकानिक्स इंजीनियरिंग नमुक स्टडी मेकानिक्सना स्टडी ऑफ फोर्सेस मेकानिक्सना फोर्स पी पड़े। सो इंजीनियरिंग मेकानिक्सना इंप फोर्स डीटेल पाकपर। सो इतना फुलामें फोर्स पीता पापो इतना इंजीनियरिंग मेकानिक्स प्राजेक्ट फोर्स अप्ले पड़ी अर एफक्ट वो स्टडी पड़े इंजीनियरिंग मेकानिक्स वो रिजिड बाडी एना वो फोर्स को अभी इत वो फोर्स वो इनपुट अवटपुटना फोर्स मूलमो इन आबजेक्ट वो मूव आगे सो अ मोशन आउटपुट एफक्टन। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। सो इनपुट फोर्स आउटपुट एक्सलरेशन एवलो फोर्स को अदार ऑब्जेक्ट वो एक्सलरेट आगे अभी मूव आई पोगु। सो प्रोपोर्शनलिटी मूव पड़ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एम पोट्टुक्कलाम एम इनर्शिया कांस्टेंट आर मासन सोल्लाम यूनिट वो केजी फोर्स वो न्यूटन यूनिट मास नमु केजी एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो न्यूटन वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर वे न्यूटन डाइमेंशन पाती एम एल टी पावर माइनस टू। सो इत वो फोर्स अप्ले पड़े वो जस्ट एक्सटर्नल अप्ले पड़े फोर्स वो नार्मला एफन इे और आब्जेक्ट को वेट वो नम्बर कुड़कनों एम ए बदला एम जीव जी वो G means gravity, acceleration due to gravity, 9.81 meter per second square. So that's the concept. Force is the basic rule. Next one, momentum. Momentum is momentum parameter will be proportional to velocity. Here, proportionality remove the mass constant for inertia concern. So mass into velocity is the momentum. So this is kg meter per second. So this is dimension. एम एल टी पवर माइनस वन। नेक्स्ट वो वर्क वर्कना नमुक अद एनर्जी एनर्जी वो इनपुट वर्क को आउटपुट वर्क वो एड़को फॉर्म इन फॉर्म कन्वेट पड़ा। वर्को फॉर्मला वो फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू एस शॉर्ट फॉर्म वेल यूनिट वो न्यूटन मीटर और जूल सोलवा। सो डाइमेंशन एम एल स्क्वायर टी पवर माइनस टू। नेक्स्ट वो पवर पवरना वो पाती वर्क डन बै टाइम और फोर्स इंटू वेलासिटी वर्क डन बै टाइम पाती फोर्स इंटू डिस्टेंस बै टाइम वो डिस्टेंस बै टाइम वेलासिटी। सो शॉर्ट फॉर्म एफ इंटू वी। सो पवर को यूनिट वाट इोड़ यूनिट वो एल न्यूटन मीटर पर सेकंड्स और न्यूटन मीटर वो जूल जूल पर सेकंड्स वाट। सो इोड़ डाइमेंशन एम एल स्क्वायर टी पवर माइनस थ्री। नेक्स्ट वो पाता ट्रांसलेशनल अदा पिनाड़ी वर्द। नेक्स्ट वो रोटेशनल पाकल रोटेशनल पवर एटना पवर वो न्यूटन मीटर नमुक न्यूटन मीटर पर सेकंड्स फोर्स इंटू वेलासिटी नमुक वो लीनियर रोटेशन टार्क इंटू एंगुलर वेलासिटी। सो इत वो रोटेशनल पवर को फॉर्मूला। सो इत यूनिट वाट टार्क न्यूटन मीटर यूनिट आंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड्स। सो इत क्रॉस मल्टीप्लाई पड़ीनाल न्यूटन मीटर पर सेकंड्स अब अब वो जूल पर सेकंड्स और वाट। सो इतनी डाइमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री अद सेम यूनिट अंड डाइमेंशन सेम। नेक्स्ट वो रोटेशनल वर्क वर्क वो नमक फोर्स इंटू डिस्टेंस इंतजार टार्क रोटेशन वा टार्क इंटू आंगल ऑफ डिस्ट थीटा। सो न्यूटन मीटर और टार्क यूनिट इत वो रेडियन। सो कमेंट पड़ा न्यूटन मीटर आर जूल। सो इोड डाइमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। नेक्स्ट वो एनर्जी वो डिफरेंट फॉर्म पाकल। सो एनर्जी वो फॉर्म फर्स्ट वो पोजीशन पाकल पोटेंशियल एनर्जी सोल्वा इन ऑब्जेक्ट वो ग्राउंडा अद्कोर पोटेंशियल एनर्जी इे और हईट और पत् मीटर हईट ग्राउंड पत् मीटर तल मेल अद्क पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी एम जी हेच। सो
mg na namak theriyum weight of object w into h on the height so unit vandu newton meter or joule energy per unit next vandu kinetic energy kinetic energy எதுக்கு எடுப்போம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்ல இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து வரது கைனெடிக் எனர்ஜி எடுப்போம் இது வந்து வெலாசிட்டியை வந்து மீட் பண்ணுவாங்க மோஷன்னு சொல்லும்போது ஸோ இதை வந்து கைனெடிக் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் கொண்டு ரொட்டேஷனல் கொண்டு வரும் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஹாஃப் ஒமே எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ எம்னா மாஸ் வினா வெலாசிட்டி ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த லீனியர் மோஷனுக்கு வரது இது இதே ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஐனா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அது மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ்னு பார்த்துட்டோம்னா இப்போலாம் எனர்ஜிக்கு பார்த்துருக்கோம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எஃப்எஸ் வில் பி ப்ரொபோஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் எல்லாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோஷனாலிட்டி மூவ்மெண்ட்னா ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கே போட்டுக்கலாம் கேங்கிறது இங்கே ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸுக்கு வருது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கேக்குன்னு எடுத்துட்டோம்னா எஃப்எஸ் பை எக்ஸ்னு வரும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் யூனிட் வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதே வந்து உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ல சொல்லணும் மீட்டர் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ எம்னா மாஸ் டி பவர் மைனஸ் டூ டீனா டைம் ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மாதிரியே அடுத்து இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டூ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டூ நார்மல் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரொபோஷனாலிட்டி மூவ் பண்ணால் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன் நியூ போடுவோம் நியூங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் பை என் அதாவது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பை நார்மல் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபோர்ஸ் கீழே ஃபோர்ஸ் ஸோ இது வந்து நோ யூனிட் டைமென்ஷன் பார்த்தோன்னா எம் பவர் ஜீரோ எல் பவர் ஜீரோ டி பவர் ஜீரோ ஸோ இதுக்கு என்னென்னா எதுக்கு பவர் ஜீரோ வந்தாலும் அதோட டேர்ம் வந்து ஒன்று ஸோ அதனால் இதுக்கு பவர் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுட்டோம் நோ யூனிட்னால எல்லாத்துக்குமே பவர் ஜீரோ ஃபோர்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுற அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வெயிட்டு ஸோ அந்த வெயிட் வெயிட்டையும் ஒரு ஃபோர்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அது இருக்குது ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வர பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எதாவது புதுசாக லேர்ன் பண்ணி நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டே கனெக்டட்